सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल लिटिल एंजल्स ग्रूमिंग किड्स में। तो भाई लोग, आप जैसे ये हमारे कलकत्ता का चौथा दिन है और चौथे दिन में हमने कोशिश करी कि जो बाकी के अड़ोस पड़ोस की मार्केट घूमी जाए और ये कलकत्ता अपने खान पान, अपनी कला संस्कृति, हावड़ा ब्रिज, काली माता के मंदिर के लिए जाना जाता है। कलकत्ता का नाम आए और सुभाष चंद्र बोस जी का नाम ना आए, यह तो हो ही नहीं सकता। सुभाष चंद्र बोस जी की आज़ाद हिंद सेना का अपना झंडा था, उनमें अनेक गीत और कविताएं लिखी गई, यहाँ के लोगों में, यहाँ के नवयुवकों में जोश भरा और उन्होंने जी जान से अंग्रेजों के विरुद्ध युद्ध करा, बहुत सारे लोग शहीद हुए। हिंद फौज का अपने रुपए थे, करेंसी थी और वहाँ पे जो आज़ाद हिंद फौज के वीर सैनिक थे, ऑफिसर थे, उन्होंने उन्हें मेडलों से भी नवाजा जाता था। अगर सेकेंड वर्ल्ड वार में जापान पर अमेरिका द्वारा हिरोशिमा और नागासाकी शहरों पर बम ना गिराया जाता तो हो सकता था कि 1947 से पहले ही देश आज़ाद हो जाता। और सुभाष चंद्र बोस का जो भारत था वो अखंड भारत था, ना कि उसके कई टुकड़ों वाला भारत। और सुभाष बाबू ने अपनी सेना को मजबूत करने के लिए, कहते हैं ना कि दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है, तो जापानियों से और इटली से दोस्ती करी, रशिया से दोस्ती करी और अपनी देश को आज़ाद कराने में जहाँ तक मुमकिन हो सका वह कार्य किया। और इनकी सेना में सिख भी काफ़ी संख्या में थे, सिख दूसरे पूरे देश के नवयुवक भी काफ़ी संख्या में थे। और इनकी सेना में झांसी रानी एक ब्रिगेड भी थी, जहाँ पर महिलाएं स्वेच्छा से भर्ती हुई और उन्होंने आज़ाद हिंद फौज सेना के साथ मिलकर देश को आज़ाद कराने के लिए अपनी तरफ से जो हो सकता था वह कार्य किया। और हम मोदी सरकार के बहुत ही शुक्रगुजार हैं कि इन्होंने जो नामुमकिन था वह कर दिखाया और इंडिया गेट के सामने आज़ाद हिंद फौज के सेनानी सुभाष बाबू की मूर्ति स्थापित। और भारत की आज़ादी में बंगाल के खुदीराम बोस को कौन भुला सकता है, जिन्होंने कम उम्र में ही भारत की आज़ादी के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान दिया। इसके अतिरिक्त वीना दास का भी हमारे देश की आज़ादी में क्रांतिकारी महिला में उनका नाम आता है। और भी अनेक महिलाएं हुई जिन्होंने भारत की आज़ादी में भरपूर योगदान दिया। बंगाल अपनी सभ्यता, संस्कृति और संतों के लिए जाने जाता है। और गोपाल पाठा को कौन भूल सकता है, जिन्होंने हिंदुओं की रक्षा करने के लिए मुस्लिम लीग के गुंडों से हथियार उठाकर, हथियार के बदले हथियार, हजारों लाखों हिंदुओं की रक्षा करी, अपनी संगठन बनाकर, जिन्होंने जो डायरेक्ट एक्शन डे बनाया था उसके खिलाफ, जिसमें काफ़ी संख्या में हिंदू नवयुवक नवयुवतियों की हत्या की गई, उनके घर जलाए गए। और वेस्ट बंगाल से ही हमें सदाबहार कलाकार जैसे गुरुदत्त, उत्तम कुमार, जॉय मुखर्जी और विश्वजीत जैसे कलाकार मिले। We'll be right back.
और कई गीतकार और संगीतकार जैसे हेमंत कुमार जी ने बहुत ही सुंदर आवाज़ में कई हिंदी फिल्मों के गाने गाए। उसके साथ साथ आर डी बर्मन जी ने मधुर संगीत दिया, बप्पी लाहिरी जी ने बहुत ही सुंदर सुंदर गाने गाए और बहुत ही सुंदर संगीत दिया। इसके अलावा मिथुन चक्रवर्ती जी को कौन भूल सकता है कि जिनका एक बहुत ही मस्त गाना था आई एम ए डिस्को डांसर, और सत्यजीत रे जैसे महान महान डायरेक्टर जिन्होंने एक से एक नायाब फिल्मों का डायरेक्शन किया। और सौरभ गांगुली को कौन भूल सकता है जिसने भारतीय क्रिकेट को धमाकेदार जीत पर जीत दिलाई और भारतीय क्रिकेट को कैसे खेला जाता है निर्भीक तरीके से वह सिखाया। इसके अतिरिक्त बहुत ही सुंदर सुंदर और सुंदर अदाकारा अनेक हीरोइनों ने भारतीय हिंदी सिनेमा में जैसे मौसमी चटर्जी, शर्मिला टैगोर, माला सिन्हा और भी अनेक हीरोइनों ने भारतीय सिनेमा में भरपूर योगदान दिया। आज हमारा चौथा दिन था और आखिरी दिन था, तो हम लोग भाई ट्रेन भी पकड़नी थी तो हम लोग फटाफट अपनी हमने कार्य करी और निकल पड़े। आने की टाइम तो हमारी सियालदह से ट्रेन, और तो हम लोगों ने फटाफट अपना सामान पैक करा और सुबह सुबह हम लोग ने चेकआउट करा अपने होटल से और उसके बाद निकल पड़े हम लोग। हमने सोचा कि चलो आज जितनी से अधिक मार्केट करनी है आज मार्केट हम करेंगे, और हम लोग निकल रहे मार्केट की ओर। और वहाँ से हमने साड़ियाँ ली किरण मैडम ने, तो उसने कहा था भाई मेरे को तो बंगाली साड़ी चाहिए रेड एंड वाइट। तो हमने कई दुकानें देखी, अच्छी से अच्छी साड़ियाँ थी, महंगी से महंगी, तो उन्होंने दो साड़ियों का चुनाव किया। और कलकत्ता में जो ये सुंदर सुंदर साड़ियाँ हैं तो इसको हर त्योहारों पे पर्व पे पहना जाता है, दुर्गा पूजा पे, और इसके अलावा शादी ब्याह में तो ये पहना ही जाता है, पार्टी में ही पहना जाता है। और साड़ियों के साथ साथ यहाँ पर शंकर चूड़ी भी पहनी जाती है, बिना इसके शादी नहीं मानी जाती। तो ये यहाँ पर शंखा चूड़ी बहुत ही यहाँ पे पवित्र माना जाता है। और फिर हम निकले चूड़ी लेने शंखा चूड़ी के मार्केट में, और वहाँ पे हमने देखी चूड़ियाँ, देखी एक से एक सुंदर, एक से एक डिज़ाइन, तो हमें भी पसंद आई, किरण को भी पसंद आई, और हमने दो सेट वहाँ से शंखा चूड़ी ली। तो देखने में बहुत ही सुंदर थी, और वैसे तो वहाँ पे रेट सस्ती से सस्ती और महंगे से महंगे भी आएगा, तो ये तो सब आपके जेब पर अलाउ है कि आपको कैसी चाहिए। तो वहाँ पे आप जाएँ तो शंखा चूड़ी भी अवश्य लें, शंखा चूड़ी लें, वहाँ की ट्रेडिशनल साड़ी लें जो देखने और पहनने में बहुत ही सुंदर लगती है।
लग ही चुकी थी, दिन के लगभग लगभग 12:30 बज चुके थे। हमने न्यू मार्केट में डोसा और स्ट्रीट फूड में जो भी चीज़ मिला हमें सबको सबका साथ चखा। एक बार हमने सोचा कि जाते जाते बंगाली रसगुल्ला तो खाया ही जाए, तो हमने बंगाली रसगुल्ला भी लिया खाया। हमने बंगाली हाथ रिक्शे का नाम तो बहुत सुन रखा था, वहाँ पे गए और हाथ रिक्शे में बैठकर फ़ोटो खिंचवाई। और वहाँ से जब हम निकलने लगे तो हमने देखा एक दुकान से भाई भर भर के लोग जूते लेके जा रहे थे। मैंने कहा भाई, हम लोगों ने कहा भाई ये कौन सी दुकान है जो भर भर के यहाँ से जूते लेके जा रहे लोग। तो किसी ने बताया कि भाई ये तो श्री लेदर्स कंपनी है कोलकाता की, और बहुत ही नामी कंपनी है और सस्ते रेट पर और अच्छी क्वालिटी का मिलता है। तो हम लोग भी अपने आप को रोक ना सके तो बिल्डिंग में गई। बिल्डिंग काफ़ी बड़ी थी, 2-3 मंजिला। हमने भी अपने अपने पसंद के तीनों चारों के लिए जूते लिए, कुछ लेदर का बैग लिया और बेल्ट ली जो देखने में सुंदर थे, और कुछ पर्स भी लिए सही दाम पर हमें मिले। और हमें लगा नहीं भाई ये तो अच्छी मार्केट है और यहाँ से लेना चाहिए, क्योंकि हम लोग भी कभी कभी दिल्ली में कहीं जाते हैं तो जूते तो ऊपर से देखने में होते और अंदर गत्ता घुसेड़े रखता है। तो यहाँ पे हम लेके आए तो हमें क्वालिटी देखी, रेट देखा, तो हमें बहुत ही अच्छा लगा कि भाई ठीक है ऐसे भी कुछ दुकानें हैं, मान लो ईमानदार कंपनी है। अगर आप जाए श्री लेदर कंपनी की तरफ तो भाई आप ज़रूर जूते लें, क्योंकि उसकी क्वालिटी भी सही है और उसका रेट भी सही है। और ये वाले जो मैं बोल रहा हूँ श्री लेदर कंपनी, तो ये कोई हमें उन्होंने बोला नहीं है कि भाई हमें करो या वो करो या हमारे यूट्यूब में बनाओ, या कोई ये पेड यूट्यूब नहीं है, तो हमें जो अच्छा लगता है हम वही बोलते हैं। तो अगर आप लोग जा रहे हो तो और उस साइड भी जा रहे हो तो आप ले लीजिए श्री लेदर कोलकाता, आपको रेट भी सही है और क्वालिटी भी सही है। तो वहाँ से आगे निकले तो हमें वहीं पे एक बहुत ही बड़ी होल सेल की फिस मार्केट देखी, और भाई हमें तो भाई फिश तो खाने का है ही शौक, तो हमने कहा चलो लिया जाए या ना लिए जाए तो चलो एक बार एक तो लिया जाए। तो देखा तो काफ़ी बड़ी थी मार्केट, और मान लो वहाँ पे हर, क्योंकि कलकत्ता समुद्र के किनारे है तो हर तरह की हर क्वालिटी की समुद्री नदी की मछलियाँ हमें देखने को मिली, जो दिल्ली में बहुत ही कम मिलती है। दिल्ली में जाओ तो ज़्यादातर नदी वगैरह कुछ है ही नहीं, और ये कुछ समुद्र की जो 2-4 किस्म की मछलियाँ आती है, तो वहाँ पे मैं देखा कि कई तरह की कई वेराइटी की मछलियाँ, ताज़ा मछली, झींगा और समुद्र वगैरह की बहुत ही अच्छी मछलियाँ। और वैसे भी कलकत्ता माछी भात के लिए जाने जाता है, और वहाँ के लोग इसको बड़े चाव से खाते हैं। और वहाँ न्यू मार्केट से होते हुए हम लोग पैदल ही, न्यू मार्केट क्या थी, लगभग कनॉट प्लेस और दिल्ली जैसी मार्केट थी कि वहाँ पे सड़क के किनारे कपड़े, लेदर के बैग और हर चीज़ मिलती थी। वहाँ से हम लोगों ने पैदल ही काफ़ी दूर तक निकले, क्योंकि सामान काफ़ी हो चुका था, तो इसलिए हमने वहाँ से टैक्सी पकड़ी। और अपने हम लोगों ने, क्योंकि टाइम भी हो रहा था, क्योंकि लगभग लगभग 4 बजे के करीब ट्रेन थी सियालदह रेलवे स्टेशन से, तो हम लोग फटाफट टैक्सी पकड़ी और पहुँचे सियालदह। और हमने सियालदह रेलवे स्टेशन के क्लॉक रूम से अपना सामान लिया, कुछ आराम किया क्योंकि भागा भागी में तो लगे थे, और कुछ पानी शरबत किया। और हम लोगों ने कहा भी बाहर तो काफ़ी भीड़ थी, वहाँ से बैठने से अच्छा प्लेटफॉर्म पे बैठा था। तो जब हम प्लेटफॉर्म पे जाने लगे तो थोड़े से कुछ आगे लगे, गर्मी तो थी, तो भाई हमें वो देख के हम हैरान रह गए, और कि वहाँ पे प्लेटफॉर्म पे जिस प्लेट पता नहीं और प्लेटफॉर्म पे होगा कि नहीं होगा, पर जिस प्लेटफॉर्म पे हम पहुँचे वहाँ पे एक काफ़ी बड़ा था एक रूम बना था। जब हम प्लेटफॉर्म में कुछ आगे निकले तो हमें दिखाई दिया
प्रतीक्षा वेटिंग लाउंज। तो हमने पूछा लोगों से, भाई ये क्या है? कह रहे हैं सर यहाँ पे आपको 10 रुपीस में पर पर्सन 1 घंटे के लिए रुकना को मिल सकता है, आप जाके अंदर सामान रखो, एसी के हवा खाओ। तो भाई थकान तो हो चुकी थी, हम लोगों ने अपना 30 रुपये दिया, हमने कहा भी 1 घंटा 1.5 घंटा है और सामने छोटी सी कैंटीन भी बनती है, चाय पानी बिस्कुट मिल सकता है, और अपने सामान रख के मज़े से हमने 1.5 घंटा की, मतलब हम लोग 2 घंटा बैठे वहाँ पे, 60 रुपये दिया। और बहुत ही थकान जो हमें, जो सुबह से हम घूम रहे थे वो हमने उतारी, बहुत ही हमें अच्छा लगा। और ये सिस्टम वहाँ का सियालदह रेलवे स्टेशन को बहुत सही लगा। और अगर ऐसे, क्योंकि भारत एक गर्म देश है, और ऐसे अगर हर स्टेशनों पे हो जाए, छोटा नहीं बड़े स्टेशनों पे, तो लोगों को बहुत सुविधा मिलेगी। और क्योंकि आदमी रेलवे स्टेशन पर आता है तो भागा दौड़ी करता है। उसके बाद ट्रेन आ चुकी थी, लग गई, तो हम लोगों ने अपने फटाफट सामान उठाया और अपनी बोगी की तरफ हम लोग धीरे धीरे चले। मगर जो हमारी बोगी, हमने तो सोचा था कि भाई हमारे आसपास से लगी, पता चला भाई वो तो बोगी तो सबसे लास्ट में है, और काफ़ी लंबी ट्रेन थी तो हमें काफ़ी चलना पड़ा, मान लो इस प्लेटफॉर्म के लास्ट तक चलना पड़ा। और हमारे पास सामान था दो दो, तो हमारे पास, मेरे पास और किरण के पास जूते का बैग हो गया, एक बड़ा बैग था, एक एक्स्ट्रा खाने का हो गया, और एक और बैग था जो आशीष साथ में लेके चला। और भाई वो तो हमें छोड़ने आया था क्योंकि ऑफिस के काम से आया था, तो हम तो अलग से आए थे, तो हम लोग के डब्बे के पास पहुँचे। और ये सफ़र तो हमारा बहुत ही अच्छा रहा, बहुत ही मज़ा आया 4 दिन में, खासकर मुझे तो बहुत ही आया, और किरण मैडम को भी बहुत आया होगा। और फिर हम लोग अपने डब्बे में चढ़े, सामान रखा, आशीष ने भी हमारा सामान रखवाने में हेल्प की। और उसके बाद कुछ ही देर के बाद क्या हुआ कि हमारी गाड़ी ने हमें सीटी मारी और हमारी गाड़ी चल दी करते हुए दिल्ली की तरफ। ट्रेन मैडम ने भी बाय करा और फिर हम लोगों ने ट्रेन में बैठे, अपना सामान सेट करा। और उसके बाद हमने, क्योंकि मुझे नॉनवेज खाना अच्छा लगता है, तो मैंने अपना अंडा ब्रेड मंगाया और किरण ने अपने वेज, और हम लोगों ने 4 दिन का सफ़र बहुत मज़े से करा, बहुत ही एंजॉय भी करा। और अगर आप लोग को हमारे ये वीडियो अच्छा लगा हो, हमारे 4 दिन का टूर अच्छा लगा हो, तो हमारे इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। और अगर किसी को भी, मैं तो कहता हूँ कि ज़िंदगी में मौके बहुत कम मिलते हैं, अगर किसी को भी मौका मिले तो छोड़ना नहीं चाहिए। देखो पैसा तो आदमी ज़िंदगी भर कमाता है, मगर समय नहीं मिलता। जिसके पास समय और पैसा हो तो आप भी घूमिए, कि घूमने से हम बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं, बहुत ही हमें अच्छा महसूस होता है। और जब हमारी वहाँ पे जब ट्रेन चलने लगी तो हमें एक देख के मेरे को अच्छा लगा कि जो हमारी बोगी में एक जो रेलवे में जो काम करते हैंगे, जो खाना पानी बेड कपड़े लेके पहुँचाते हैं, तो जब ट्रेन पे चढ़ने लगा तो उसने ट्रेन को, चलती हुई ट्रेन को छू कर हाथ जोड़े, कि जैसे कि हम लोग कोई दुकान होता है या शॉप होता है या अपना बिजनेस होता है करते हैं, अपना शटर खोलते हैं, तो हम लोग उस जगह को, धरती माता को छू के आशीर्वाद लेते हैं। तो वो लगा, मेरे को बड़ा अच्छा लगा। देखो ये इन बेचारों के लिए ये ट्रेन ही इनका रोजगार रहेगा। आप लोग ये हमारी कलकत्ता की सीरीज देख के समझ ही गए होंगे कि हमने कितनी फ़ोटो डाली है और कितनी वीडियोस डाले हैं। फ़ोटो और वीडियोस तो बहुत ही कम थे क्योंकि हमारे पास कैमरा ही ऐसा था कि जिससे कि हम लोग बहुत ही कम समय के लिए चार्ज कर पाते थे, और जो भी हम पिक लेते थे उसके बाद वो डेड हो जाता था। तो हम लोग ने कोशिश ये करी कि जहाँ भी गए हम थोड़ा थोड़ा एक दो फ़ोटो लें। तो इसके बाद मैं ये कहूँगी कि ये जो सीरीज थी, हमारा निकालने का तो कोई मूड था नहीं,
लेकिन हम लोग ने ये सोचा कि जब हम इतना घूम के आए हैं कलकत्ता को, क्योंकि हम लोग ने अगस्त में घूम लिया था, तो क्यों ना हम कुछ यादें अपनी समेटें। और हमारी तो ये YouTube ही एक यादें हैं जो हमारे लिए एक एल्बम का काम कर रहा है। तो हम लोग ने थोड़ा सा अपना ये मेमोरी सेव करने के लिए हमने ये YouTube बनाया था, और हमें तो बड़ा मज़ा आया वैसे कलकत्ता घूम के। लेकिन थोड़ी बहुत गंदगी तो देखो सब जगह है, सब शहरों में है, लेकिन कलकत्ता में कुछ ज़्यादा ही है। तो देखने वाले जो लोग हैं, जो टूरिस्ट हैं, वो तो यही देखते हैं ना कि भाई सिटी कैसा है। हमारे जैसे लोग जो दिल्ली में रहते हैं, इतने साफ़ सुथरी जगह रहते हैं, तो उनको तो कलकत्ता कैसा लगेगा। लेकिन फिर भी एक इच्छा थी कि भी हमें कलकत्ता घूमना है, तो ऐसे ही बस सडनली प्लान बन गया, तो हम लोग कलकत्ता घूमने चले गए 3-4 दिन के लिए। तो वहाँ तो हमारा कोई ऐसा आइडिया नहीं था कि हमें वीडियो शूट करनी है या कुछ करना है। देखो वीडियो शूट करने की पर्पज़ से जाते हैं ना, तो एक मेंटली रूप से वो प्रिपेयर होकर जाते हैं, गैजेट्स वगैरह लेके जाते हैं, लेकिन हमारा तो ऐसा कुछ प्लानिंग नहीं था, तो इसलिए हम लोग बस निकल दिए, जो मिला कैमरा जो मिला फ़ोन वो लिए और बस चल दिए, ये था। तो हम लोग ने जो भी फ़ोटो हम लोग ने खींचा है, जो भी हमने वीडियोस बनाई है, इसीलिए हम लोग ने कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आप लोगों को दिए, ताकि आप लोग कलकत्ता ज़रूर घूमें। देखो ये हमारी पुरानी राजधानी है और घूमना भी चाहिए, एक हमारे देश की पुरानी राजधानी होने की वजह से हर एक की इच्छा होती है कि भाई इसको घुमा जाए। तो हमारे मन में भी एक इच्छा थी, यही सोच के हम लोग कलकत्ता निकल गए थे, और बहुत सारी चीज़ें हमें अच्छा इन्फॉर्मेशन मिला वहाँ पर, और जो मठ के बारे में, जो वहाँ के लोगों के कल्चरल प्रोग्राम्स होते हैं इनके बारे में, और कल्चर जैसे वो लोग बंगाली लोग अपना एक कल्चर अलग है उनका हर एक स्टेट से, वो चीज़ जानने को मिला, हमें बड़ा अच्छा लगा वैसे कलकत्ता घूमकर। तो फिर आप लोग भी अपना प्लान बनाइए कलकत्ता घूमने का, लेकिन कैमरा वगैरह लेकर अपडेट करके जरूर चाहिए। अगर आप लोग को हमारा वीडियो अच्छा लगे तो हमारे इस वीडियो को अधिक से लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।